ममता के तेवरों पर घिरी कांग्रेस, लेकिन कोर ग्रुप की मीटिंग में बिना लड़ाई मैदान नहीं छोड़ने की बनाई रणनीति, कहा सरकार को तत्काल नहीं है कोई खतरा। कांग्रेस ने गैस सिलेंडर के बढ़े दामों का निकाला तोड़, जनार्दन द्विवेदी ने कहा कांग्रेस शासित सभी राज्यों में 9 सिलेंडरों पर दी जाएगी सब्सिडी। कांग्रेस ने महंगाई से लड़ाई में राज्यों को आगे आने की दी नसीहत, कहा सभी राज्य कीमतों पर दे रियायत। ममता पर केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम का आरोप, कहा 4 दिन पहले की थी बात करने की कोशिश, लेकिन ममता ने नहीं दिया कोई जवाब। पी चिदम्बरम के मुताबिक प्रधानमंत्री ने भी की थी बात करने की कोशिश, संदेश छोड़ने के बावजूद बातचीत के लिए ममता नहीं आई थी आगे। चंद्रबाबू नायडू ने जताए थर्ड फ्रंट बनने के आसार, कहा बीजेपी नहीं उठा रही है मुद्दा, समान विचारधारा वाली पार्टियां बना सकती हैं मोर्चा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा गठबंधन सरकार में इसी की थी उम्मीद, यूपीए सरकार में एकतरफा फैसले ले रही है कांग्रेस। सरकार के ताजा संकट पर सक्रिय हुई समाजवादी पार्टी, मुलायम के घर पहुंचे रामगोपाल यादव, सांसद किरणमय नंदा भी बैठक में शरीक। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा ममता को साहसिक कदम उठाने के लिए सलाम, करुणा निधि और मुलायम भी देश बचाने के लिए आए आगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, कहा हमें जो भी राष्ट्रीय राज्य का दर्जा दिलाएगा उसी का करेंगे सपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी और एसपी के संपर्क में कांग्रेस, बीएसपी जारी रख सकती है समर्थन। कांग्रेस कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद अंबिका सोनी का बयान, कहा टीएमसी मंत्रियों के साथ करेंगे बात। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा का बयान, कहा एफडीआई से देश के लिए होगा फायदेमंद, बौखलाहट में नरेंद्र मोदी दे रहे हैं बयान। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने थपथपाई कांग्रेस की पीठ, कहा सरकार पर नहीं है कोई खतरा, संकट के बावजूद चली थी नरसिम्हा राव सरकार। शरद पवार को डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर रोल बैक मंजूर नहीं, कहा एक बार जो फैसला हो गया उस पर बार बार बोलने की जरूरत नहीं। टीएमसी नेताओं ने पिछले दरवाजे से समाजवादी पार्टी से बातचीत शुरू की, मुलायम के साथ साझा गठजोड़ बनाने की है कोशिश। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा पार्टी जल्दबाजी में नहीं है, ममता के समर्थन वापसी के बाद सरकार पर बनाएंगे दांव। रामगोपाल यादव ने कहा एसपी सरकार पर रोलबैक के लिए बनाएगी दबाव, मांगे न मानने पर समर्थन वापसी पर होगा फैसला। एसपी नेता मोहन सिंह ने कहा कांग्रेस को हर मुद्दे पर नहीं करेंगे समर्थन, सरकार की जन विरोधी नीतियों का साथ नहीं देगी समाजवादी पार्टी। मोहन सिंह ने कहा हालात पर है समाजवादी पार्टी की नजर, सरकार फैसले लेने से पहले सहयोगी दलों से नहीं करती बात। तृणमूल की समर्थन वापसी के बाद सरकार की स्थिरता पर सवाल, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का समर्थन हुआ सरकार के लिए अहम। समर्थन में वापसी के ऐलान के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने मांगा पीएम का इस्तीफा, मध्यावधि चुनाव की मांग। मुलायम ने भी दिखाए कड़े तेवर, कहा सरकार कर रही है मनमानी, पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में होगा अंतिम फैसला। समाजवादी पार्टी 20 सितंबर के बाद लेगी फैसला, 20 सितंबर को है देशव्यापी बंद, एसपी ने यूपी बंद का भी किया है ऐलान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी एफडीआई के विरोध में, 9 अक्टूबर के बाद सरकार के समर्थन पर पार्टी करेगी फैसला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता आज शाम पीएम से मिलने आएंगी दिल्ली, जया रिटेल में एफडीआई और डीजल की कीमतों के विरोध में। जयललिता के संपर्क में है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जया के साथ साझा रणनीति बनाने की कोशिश में है बीजेपी। बीजेपी ने जया से मुलाकात का मांगा समय, अभी तक जया ने बीजेपी नेताओं को मुलाकात का वक्त नहीं दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मध्यावधि चुनाव की संभावना को किया खारिज, कहा 2-3 दिनों से निकल आएगा समाधान। चव्हाण ने कहा देश हित में लिया जाएगा बेहतरीन फैसला, जल्द दूर होगा मौजूदा सियासी संकट। राज ठाकरे ने कहा भारत में विदेशी निवेश की सख्त जरूरत, एफडीआई से होगा देश का विकास। राज ठाकरे ने विदेशी निवेश पर रखी मांग, कहा निवेश करने वाली कंपनियां स्थानीय लोगों को दे नौकरी।
राज ठाकरे ने एफडीआई का किया है विरोध, बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में नहीं करने देंगे नौकरी। बिहार सरकार राज्य में करेगी डीजल सस्ता, कैबिनेट में लिया गया फैसला, एक दो दिनों में होगा ऐलान। डीजल में कमी कितनी होगी इस पर चल रहा है विचार, राज्य में डीजल पर लग रहे वैट को कम करेगी सरकार। ममता के बाद डीएमके ने भी सरकार पर तरेरी आंख, एनडीए के भारत बंद में शामिल होने का किया प्लान, आज पार्टी की बैठक। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा ममता के फैसले से हैरानी नहीं, लेकिन बोले सब ठीक हो जाएगा। गणेश चतुर्थी पर पीएमओ ने किया ट्वीट, लिखा गणेश चतुर्थी पर दूर हो बाधाएं, विकास और भाईचारे का बने माहौल। रामदेव ने समर्थन वापसी के पैसे पर की ममता की तारीफ, कहा जनता को लूट रही है कांग्रेस। बाबा ने कांग्रेस के सहयोगी दलों से समर्थन पर विचार करने को कहा, रामदेव ने कहा जनता के साथ खड़े होकर मिसाल कायम करे पार्टियां। दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर की गोली मारकर हत्या, रात 2:45 बजे घर में मारी गई डॉक्टर संजीव धवन को गोली। चश्मदीदों के मुताबिक डॉक्टर को गोली मारने वाला ले रहा था डॉक्टर की नौकरानी का नाम, दूसरे मंजिल पर शख्स से धक्का मुक्की भी की। हमलावर ने चलाई 2 से 3 राउंड गोलियां, गोली की आवाज सुनकर बालकनी पर आए डॉक्टर को लगी गोली। सेना में काम करता है गोली मारने वाला हमलावर, पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र को पकड़ा। फौजी की वर्दी में ही गोली मारने आया था आरोपी धर्मेंद्र, दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर इलाके की वारदात। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बीती रात बाइक सवार 3 बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, कार लूटने की कोशिश कर रहे थे बदमाश, खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, पैर में गोली लगने से एक कांस्टेबल हुआ जख्मी, एक बदमाश के घायल होने की भी खबर। एक बदमाश भी आया पुलिस की गिरफ्त में, तिलक गुर्जर नाम के बदमाश से पुलिस कर रही है साथियों के बारे में पूछताछ। नोएडा में अज्ञात वाहन ने 4 बच्चों को मारी टक्कर, विश्वकर्मा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन कर रिक्शे पर लौट रहे थे बच्चे। नोएडा सेक्टर 37 के चौराहे पर हुआ हादसा, 4 बच्चों में से 2 की हालत गंभीर, नोएडा के अस्पताल में किए गए हैं भर्ती। दिल्ली के कोटली में पालतू कुत्ते ने ली 11 महीने की मासूम की जान, मां की गोद से खींचकर बच्ची पर किया हमला। बच्ची को लेकर पार्क में घूमने गई थी मां, पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने मासूम पर लगातार किया हमला, मां की बच्ची को बचाने की कोशिश नाकाम। जख्मी हालत में बच्ची को अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन नहीं बची मासूम की जान, मां ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप। तुलसी प्रजापति फर्जी एनकाउंटर केस मामले में मोदी सरकार की फजीहत, चार्जशीट में अमित शाह समेत 2 लोगों पर लगाया 302 का आरोप। बनासकांठा कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट नंबर की जारी, पूर्व डिप्टी एसपी आरके पटेल और एडिशनल डीजी पर सबूतों को मिटाने का लगा आरोप। भारतीय खिलाड़ियों को अपने कमरे में किसी भी बाहरी शख्स को लाने की इजाजत नहीं, खिलाड़ियों के कमरे में सीधे फोन करने पर भी पाबंदी। भारतीय खिलाड़ियों को स्टेडियम में मोबाइल फोन लाने पर रोक, खिलाड़ियों के एजेंट्स को भी कमरे में आने से मनाही। टी20 विश्व कप में आज होगा भारत का पहला मुकाबला, अफगानिस्तान के साथ खेला जाएगा मैच। आरबीआई के सीआरआर घटाने के बाद एसबीआई ने ब्याज दरें सस्ती करने का किया ऐलान, एसबीआई ने बेस रेट में 1/4% की कटौती की। एसबीआई की बेस रेट कम होने से सस्ते हो जाएंगे सभी तरह के लोन, नई दरें 20 सितंबर से होंगी लागू। एसबीआई ने दिखाया दूसरे बैंकों को ब्याज दरें घटाने का रास्ता, देश के दूसरे बैंक भी कर सकते हैं ब्याज दरें कम करने का ऐलान। डीजल के दाम बढ़ने के बावजूद रफ्तार पर डीजल कारों की ब्रेक, देश में कुल बिकने वाली कारों में से 80% डीजल कारें। टैक्स चुकाने के मामले में भी टाइगर है सलमान खान, इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चुकाया 8 करोड़ का एडवांस टैक्स। देश भर में गणेश महोत्सव की धूम, गणपति बप्पा के रंग में रंगा मुंबई, 10 दिनों तक चलेगा गणेश महोत्सव।
गणेश महोत्सव के चलते बढ़ाई गई मुंबई में सुरक्षा। सीसीटीवी के जरिए भी मुंबई पुलिस करेगी पंडालों की निगरानी। चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे 18,000 पुलिसकर्मी। मुंबई पुलिस ने बढ़ाई सिद्धिविनायक मंदिर की सुरक्षा। किसी भी घटना से निपटने को तैयार दिखी मुंबई पुलिस। रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात। आज से गणपति के पंडालों में लगेगा सितारों का मेला। ढोल नगाड़ों के साथ गणेश जी को घर लाएंगे श्रद्धालु। बीएमसी भी तैयार। 72 जगह होगा विसर्जन। गणेश उत्सव से पहले छावनी में तब्दील हुआ पुणे। चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस के कमांडो। पुलिस कमिश्नर ने खुद लिया सिक्योरिटी का जायजा। अमेरिकी फिल्म के खिलाफ पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन जारी। कराची में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान के पेशावर में अमेरिकी कांसुलेट के बाहर भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। बैरिकेड भी तोड़े गए। यरूशलेम में अमेरिकी फिल्म के खिलाफ फिलिस्तीनियों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने इजरायली सुरक्षा बलों पर किया पथराव। बोलिविया के लापाज में खदान पर कब्जे के लिए कर्मचारियों के दो गुटों में हिंसक संघर्ष। डायनामाइट से किया हमला। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में अपराधियों का उत्पात। पुलिस पर किया हमला। दो पुलिसकर्मियों की मौत। सीरिया में सामने आया हिंसा का वीडियो। सरकारी फौज और बागियों के बीच जबरदस्त लड़ाई। म्यांमार की आग सान सू की अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा पर। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कांग्रेशनल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित। दो दशक बाद अमेरिका पहुंची सू की। हिलरी क्लिंटन से की मुलाकात। बराक ओबामा से मिल मुलाकात के लिए पहुंची आंग सॉन्ग। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बढ़ सकती है मुश्किलें। जरदारी के खिलाफ खुल सकता है भ्रष्टाचार का मुकदमा।